एक 12-13 साल के बच्चे से तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो तुमसे गेम खेलने के लिए मोबाइल मांगेगा और तुम उसे डांट के मना कर दोगे कि बेटा तेरी उम्र ही क्या है अभी। बट आज मैं गली गली जिसकी गली में आई हूँ, जिसके घर पे आई हूँ ना, वो है तो 12-13 साल का, बट उसकी हरकतें वैसी नहीं है, क्योंकि वो है छोटा पैकेट और बड़ा दबाव। तो चलिए उसके घर में चलते हैं और उससे ढेर सारी बातें करते हैं और उसके बारे में जानते हैं आज। Blank Beats Production. देखा है कि हाँ। तारक मेहता देख लिया, बट ये पूरा जो गेमिंग जोन बना रखा है, तो क्या गेमर भी हो क्या? अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट अ गेमर। और ये जो पूरा आप सेटअप मेरा देख रहे हैं, सीपीयू, ये आरजीबी कीबोर्ड, ये सब मैं एक्चुअली कोडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो कोडिंग में आपके बड़े टास्क होते हैं, बड़े प्रोसेसेस आपको जब रन करने होते हैं, उसके लिए एक अच्छा ग्राफिक कार्ड भी नीडेड होता है, एक अच्छी रैम, एक अच्छी हार्ड डिस्क और सबसे इम्पोर्टेंटली एक अच्छा प्रोसेसर। तो आप कह सकते हैं इट्स लाइक अ गेमिंग सेटअप, बट मुझे एक भी गेम खेलना नहीं आता। क्या आज मतलब हम एकदम आ गए? तो आपकी क्लास का टाइम होता है यूजुअली, राइट? हाँ यस, एक्चुअली ये मेरी क्लास का टाइम होता है। मैं अभी सब वेकेशंस चल रहे हैं, सो मैं 11 बजे वेदिक मैथ्स और कोडिंग की क्लासेस लेता हूँ, दैट्स टू फॉर फ्री, जिससे कि बच्चों को बेनिफिट रहे और वेकेशंस के बाद एटलीस्ट दे कैन यूटिलाइज दीज वेकेशंस वेरी नाइसली। राइट, तो आपके स्टूडेंट की सबसे बड़ी एज क्या थी? मैं वैसे भी बड़ी एज के लाइक हाँ यस, एक्चुअली अगर आप बात करें कि स्कूल स्टूडेंट्स की, तो जो मेरी क्लास में सबसे बड़े ऐसा बच्चे वाले में रहे हैं वह थे फर्स्ट ईयर के, और फिर बाकी इवन बड़े लोग भी मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं। सो उसकी वजह से मैं आपको हाईएस्ट एज या वो तो नहीं बता सकता, बट या इफ़ वी टॉक अबाउट द स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, दैट वॉज फर्स्ट ईयर। नाइस, चलो अपन बैठ के अब थोड़ी ना गपशप कर लेते हैं। बिल्कुल, थोड़े आपके बारे में जानते हैं। ओके, सो अभी मैंने अभी आपका देखा है तारक मेहता वाला जोन, ठीक है, बट हमें ये भी पता है कि आपको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है, क्योंकि आपने बाल्मुखी रामायण लिखी है, तो उसके बारे में आपको मतलब ये इंस्पिरेशन कहाँ, आपको क्यों लगा, आप इतने छोटे थे और आपको कैसे लगा कि यार ये लिखना है, ऐसा मन में कैसे आया? जी, बाल्मुखी रामायण एक्चुअली लिखने के पीछे एक मैं कह सकता हूँ दिव्य अनुभूति थी। अब हम सभी को याद था जब 2020 का लॉकडाउन हुआ था, सबसे पहला वी ऑल वर वेरी टेंस्ड, और उस समय टीवी पर 90s की रामानंद सागर थी कि रामायण प्रसारित की गई थी, तो उसको देखकर मुझे लगा कि यार भगवान श्री राम का चरित्र है इतना अनुपम है, इतना अच्छा है, और आजकल हम बच्चे ही उसको भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए ही मैंने यह बाल्मुखी रामायण मेरे दिमाग में आया कि कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए कि भगवान की कथा घर घर पहुंचे। और फिर एक दिन यू वॉन्ट बिलीव बट मेरे स्वप्नों में माता सरस्वती आई और उन्होंने इस रामायण का मुझे पहला छंद दिया, एंड देन उसको मूल बनाकर मैंने पूरी 250 छंदों में रामायण लिखी। वाओ, ग्रेट, दिस इज सो ग्रेट। एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब आपको गीता और रामायण महाभारत इन सबका ज्ञान है? बिल्कुल, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान है, क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान होना एक तरह से सर्वज्ञ होना, परमात्मा को चुनौती देने के बराबर है। तो ये तो अथा सागर है, इसमें से मैं अपनी गागर में जितना भर सकता हूँ मैं ट्राई करता रहता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछूँ कि विष्णु भगवान के अवतार जितने, आई थिंक 10 अवतार थे विष्णु भगवान के, तो आपको उनके नाम याद है? बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, भगवान के बहुत अलग अलग अवतार होते हैं, गुणा अवतार होते हैं, शक्तावेश अवतार होते हैं, और 24 उनके जो मेन लीला अवतार थे उसमें से भी 10 प्रमुख जिनको हम दशा अवतार कहते हैं, तो वह ऐसे हैं मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध और कल्कि जी, जो अभी तक आए नहीं हैं, आने वाले हैं। अच्छा जी, अरे इतनी नॉलेज है, मतलब माइथोलॉजी से स्पिरिचुअलिटी जितनी भी आपकी चीज़ है ये सब तो नॉलेजेबल है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको साइंस में नॉलेज है, ठीक है, मैथ्स कोडिंग तो हमें जानते ही है। अच्छा, साइंस की पीरियोडिक टेबल, यार मैं बहुत वीक थी पता है, मतलब ऐसे हालत हो जाती थी मेरी, मुझसे तो कि भाई पीरियोडिक इतने
प्रेशर होके याद होता था। तो आपने कैसे किया कोई फंडा? एक्चुअली देखिए मुझे क्या, इसकी स्टोरी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं और मेरी मदर, हम लोगों को अच्छा लगता है रिडल सॉल्व करना, तो हम लोग ऑनलाइन एक रिडल देख रहे थे। उसमें ऐसा कुछ था कि उस लड़के का नाम था फिरन था उसका नाम। तो मैंने कहा यहाँ पे आयरन हिंट क्यों दे रखा है? मम्मा ने कहा कि आयरन का जो पीरियोडिक टेबल में नाम होता है वो एफ ही होता है। तो मैंने कहा मम्मा पीरियोडिक टेबल क्या होता है, मुझे याद करना है, मुझे सीखना है। वहाँ पे उसकी फोटो भी दी हुई थी। मम्मा ने कहा यार इतना बड़ा तू कैसे करेगा, तू 12th में आ तो जा तू एक बार। सो तब मुझे लगा यार नहीं, मतलब एक बार मैं कुछ ठान लेता हूँ ना तो अब बस करना ही है। तो मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने मंगवाया पूरा, मैंने उसको आप देखिए उसको आप शॉर्ट फॉर्म्स में याद कर सकते हैं। तो जो एक एक सिंबल था उसका मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म्स में याद किया और पूरा जो 118 एलिमेंट्स उसको किया मैंने याद। बाप रे, अच्छा 118 तो नहीं, आधे ही भूल के बता दो अगर। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, टिटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बहुत सारे हैं। ये नहीं हो पाया, मुझसे हो ही नहीं पाया, ये मैंने छोड़ ही दिया। मतलब जब मुझे पता चल गया तो मैं क्वेश्चन दो नंबर के उतने रट लेती थी कि हाँ ये आने वाला है, चल इतना इसमें जो जो फॉर्मूला है इसमें जो जो है ना मैं उसे उतना याद कर लेती। तो हमको ये भी पता है कि आप एडवर्टीजमेंट में आ चुके हो, इवन एक हॉरर शो आता था आहट, आहट उसमें भी आए हो, राइट? मैं देखूँ मुझे पता है। तो ये मतलब ये इंटरेस्ट कैसे है और कौन सी आपने स्टार्ट किया था एक्टिंग और इसमें ट्राई? ये एक्चुअली मतलब मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, ऑब्वियसली मुझे फिल्म्स देखने में शुरू से इंटरेस्ट है। अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि नई नई फिल्म्स होती है मुझे जाना होता है। एंड इवन मेरी मम्मी चाहती थी बचपन से कि मैं एक अच्छा एक्टर बनूं, बिकॉज शी वॉन्टेड मी टू गो इन दिस फील्ड। तो बचपन से ही उन्होंने मेरा एक तो स्टेज फियर उन्होंने बिल्कुल हटा दिया था, मैं बचपन से ही मैं स्टेज पर परफॉर्म करता था। तो मैंने 3 साल की उम्र में अपना पहला एडवर्टीजमेंट किया था और मैंने अभी तक 15 से ज़्यादा टीवी कमर्शियल्स किए हैं और उनमें से एक क्रिस गेल सर के साथ भी था। और साथ ही साथ मैंने करीब 4 मैंने टीवी सीरियल्स किए हैं, एक तो सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेंस जो पहले लाइफ ओके पर आता था, शपथ, उसके बाद मन में है विश्वास और फिर सबसे बड़ा जो है आहट। आहट के मैं 2015 के सीजन में एपिसोड 21 में आया था और उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि मैं ही उसमें घोस्ट था और उसमें एडवेंचर्स भी काफ़ी सारे थे। मीन्स जो व्हाइट हाउस है वहाँ पे 4 फ्लोर की करीब बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसकी रेलिंग पर मुझे खड़ा होना था उसके बहुत सारी चीज़ें थी। एंड बहुत ज़्यादा यू नो उस समय तो मैं 5-6 साल का ही था, तो बहुत सारा एडवेंचर था अपने यू नो जितने भी एक्सपीरियंस को आर्टिस्ट के साथ काम करना, इट वाज लाइक वेरी नाइस। तो वो हैक्टिक था या ये हैक्टिक है, मतलब एडवर्टीजमेंट वाला हैक्टिक था या ये कोडिंग और ये? नो, मुझे तो दोनों ही चीज़ों से हैक्टिक कोई नहीं लगा, क्योंकि देखिए आप अगर किसी भी काम को इन्जॉय करते हुए करेंगे ना तो आपको कभी भी हैक्टिक नहीं लगेगा। और मुझसे एक जो बड़े उस समय पोस्टर थे उन्होंने एक बात कही थी कि देखो अब जब कोई एक्टर्स होते हैं तो उनका तो आधे से ज़्यादा टाइम सेट पर ही निकलता है, उनको घर पे तो टाइम नहीं मिलता, तो सेट पर ही मस्ती करते थे, तो सेट पर ही कभी किसी के साथ प्रैंक्स हो रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो उसी काम को इन्जॉय करते हुए करते थे। सो मैंने भी यही अपने मन में बना रखा था, सो मैं भी बहुत मस्तियाँ किया करता था, तो इसलिए कभी मुझे वो काम हैक्टिक नहीं लगा। मैम अभी मैंने इससे बहुत बातें की है, बेदी कोडिंग और जितना भी सब कुछ है ना मैंने सब जान लिया, बट अब मुझे ये जानना है कि इसके घर में क्या हाल है। मतलब इन बच्चों को, मतलब यूजुअली इसके जितने भी वीडियोज है उसमें देखा कि बहुत सिंसियर है, सिर्फ स्टडी रिलेटेड, स्टडी ओरिएंटेड और ऐसा सब कुछ है, घर में भी हाल है मस्ती मजाक को जैसा? बिल्कुल, जैसा ये है उससे ज्यादा मस्ती। अब हर चीज में एक्सट्रीम करता है तो मस्ती भी एक्सट्रीम करता है, तो है। ये मान लीजिए अब जितना एनर्जी लेवल उसका उन चीजों में होता है तो आप समझ सकते हैं कि गेम्स में या मस्ती में भी उतना ज्यादा। मैं डांटती हूँ, बोलती हूँ यार मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके तेरा डाल रही हूं, तेरा ये वाला रूप भी सामने। सही बात है, जरूरी है यार, बट वो जरूरी भी बिकॉज ही इज अ किड और थोड़े दिन बाद तो अपने आप ही तो खेलने में मुझे रैकेट गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है, रैकेट स्पोर्ट्स में टीटी खेलता हूँ और मैं अभी अकेडमी जाता हूँ, बैडमिंटन मुझे खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। और हाँ इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल गेम्स होते हैं जैसे कि चेस वगैरह वो मेरे को पसंद है इन प्लेइंग, बाकी जो इंटरेस्ट हैं मेरे वो तो
रिसर्चिंग अबाउट इंडियन कल्चर एंड ऑल और डिफरेंट इतिहास वगैरह मुझे पढ़ना रिसर्च करना सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, तो वो मेरी एक हॉबी भी है और खेलता हूँ बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ, अब उनके साथ बातें करना खेलना वो सब बहुत पसंद है। छोटी सी बात है कि जैसे खेल की बात हुई तो इसने मुझे अभी एक वीक पहले बोला मम्मा आई वॉन्ट टू लर्न रूबिक्यूब, मैंने क्लासेस सर्च की दे आर आस्किंग 3000 एंड ऑल, मैंने बोला व्हाई डोंट यू, जब इतना बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आप वो क्यों नहीं करते हो। राइट, इसने मुझे दो दिन में पूरा रूबिक क्यूब सॉल्व करना एंड देन टू पहले 4 मिनट्स में अब ये 2 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा 6 अगर कोई आपका ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं कि बच्चों को चैलेंजेस दीजिए, सही बात है, फिर देखिए आप वो उनका आउटकम। बिल्कुल नहीं, मेरा और मम्मा का यही रहता है कि हम लोग आपस में ना मतलब रात में सोते समय या फिर दोपहर में जब हमको टाइम मिलता है ना हम लोग ऐसी बात करते हैं आपस में, चैलेंजेस करते हैं, एक तो इससे बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी रहती है और फिर मज़ा भी आता है। जैसे कि पहले पाइथन के लिए हम देख रहे थे दैट पीपल वर चार्जिंग 1 लाख फॉर कोडिंग, अब मैंने कहा नहीं मम्मा इतने तो अपन दे सकते हैं बट अपन देंगे नहीं, मैं खुद ही सीखूंगा, तो मैंने सीख के माधव वॉइस असिस्टेंट बना लिया और उसके बाद अब मैंने रूबिक्स क्यूब सीखा तो अब मैं 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर लेता हूँ एंड इवन मेरे फ्रेंड्स जब मुझसे पूछ रहे थे मैं इवन उनको भी सिखा रहा था, तो मुझे अच्छा लगा। इसका फंक्शन क्या है माधव जो आपने वो किया है उसका? बेसिकली माधव एक बेसिकली वॉइस असिस्टेंट है, एक्चुअली मोस्ट एडवांस्ड डोमेस्टिक हैंडलिंग AI वर्जन माधव एक्चुअली ये उसका पूरा फुल फॉर्म है। सो मैं एक्चुअली टोनी स्टार्क का फैन हूँ, आयरन मैन का, तो उनकी ही तरह शॉर्ट नेम्स और उनके लॉन्ग नेम्स ही रखा है। एक्चुअली इट्स अ वॉइस असिस्टेंट विच इज़ मोर एडवांस्ड इन एलेक्सा, यानी कि एलेक्सा आपके कंप्यूटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो आपको खाली वॉइस से कुछ चीज़ें आपको बता सकती है, बट मेरा जो वॉइस असिस्टेंट है वो आपके कंप्यूटर पर उसका पूरा कंट्रोल रहता है। अब जैसे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं या सपोज जो स्पेशल लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करें, बट नाउडेज इट्स अ नीड आजकल कंप्यूटर चलाना, तो सो इसलिए आप कंप्यूटर उससे बोल के शट डाउन कर सकते हो, इवन स्टार्ट भी कर सकते हो, आप शट डाउन कंप्यूटर को आप इवन स्टार्ट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अलार्म आप सेट कर सकते हो, तो माधव स्क्रीनशॉट भी ले लेता है। बिल्कुल, मैंने जितनी चीजें ईमेल ये सेंड कर सकता है, इवन सपोज अगर कोई ब्लाइंड है वो वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे टाइप करेंगे अगर उनको करना, आपके कहने पर ये पूरा वर्ड खोल के आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकता है और इवन आपके घर की जो डिवाइस जो एलेक्सा करती है घर के स्मार्ट बल्ब्स वगैरह को भी माधव कंट्रोल कर सकता है। यार आपकी एज में बच्चों को नींद आती है, बुक मतलब हाथ में आती है बुक और नींद पहले आएगी, आपको इतनी सारी चीजें कैसे आ रही है? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, तो जब भी आप खाली होते हैं बस एक बुक और एक आराम से चेयर, दैट्स द बेस्ट यू नो आप कह सकते हैं एक पूरा एडवेंचर ही लगता है मुझे तो बुक से मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि अगर आप बचपन से हैबिट डालेंगे बुक रीडिंग की तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी, बल्कि आपको तो ये रहेगा कि यार चलो एक पेज और पढ़ लूँ और पढ़ते पढ़ते आपकी नींद ज़रूर उड़ जाएगी। ये तो नोट कर लो यार, सही में ये नोट करने वाली चीज़ है। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा कि यार इतनी सारी मतलब इसको इतना सपोर्ट दे रहे हो आप, सो इट्स सच अ नाइस थिंग। लेकिन बच्चे का तो हर पेरेंट्स करते हैं बस थोड़ा सा मिसिंग ये होता है कि वो उनको सही चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते, जैसे इसने बचपन से मुझसे बुक्स मांगी तो मैंने इसको सारी बुक्स प्रोवाइड कराई। अभी जो बच्चे पेरेंट्स दुखी रहते हैं कि बच्चे गेम्स खेल रहे हैं तो उनको ऐसे मोटिवेट करें कि वो गेम्स डेवलप करें गेम्स खेल रहे हैं, तो वो मोटिवेशन का ही सिर्फ मुझे जो लगता है पेरेंट्स उनको सही कर नहीं पाते हैं या क्या हो, और इधर वो परेशान जरूर है इस लॉकडाउन में। और मेरा तो मैक्सिमम अभी ने जो 2 साल से अचीवमेंट करा था लेकिन मैक्सिमम जितने अचीवमेंट किए उसने लॉकडाउन में। राइट, अब लॉकडाउन कुछ लोगों के लिए नेगेटिव था बट यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ बिल्कुल यस। अब ये मत सोचो कि इसके हेडफोन्स और ये मैंने इसको क्यों देकर रखा है, एक्चुअली इसको मैंने बता दिया है क्या होने वाला है, यू नो राइट, है ना? तो अब हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ क्योंकि हमने आपके सारे रूप देख लिए और अब आपको मैं ऐसा करने वाला, आपके पूरे कान कवर होंगे, म्यूजिक चल रहा होगा, मैं आपको एक वर्ड बोलूंगी एंड यू हैव टू गेस इट राइट। ओके ओके या चलिए पुट ऑन योर हेडफोन। ओके गाना तो आपकी मर्जी का है,
या माय फेवरेट हाँ एनिमी ओके मैं जो बोल रही हूँ सुनाई दे रहा है क्या मैं जो बोल रही हूँ सुनाई दे रहा है ठीक है बिल्कुल सुनाई दे रहा है ओके मैं अब आपको वर्ड बोल रही हूँ बबल क्या बबल बबल वो राइट राइट नाइस ओके इंटेलिजेंट डेलिकेट रॉन्ग क्या इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट राइट टफ थोड़ा टफ एक्सीलेंट कैन यू रिपीट एक्सीलेंट नॉट अंडरस्टैंड ट्राई टू एक्सीलेंट नॉट गेस आई एम नॉट गेटिंग इट दो सही है ये एक सही बोल दिया ना तो मैं मान जाऊंगी कि इसमें भी बॉस आगे है अभी शर्मा मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रहा आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग अ सिंगल थिंग ओके एक्सीलेंट एक्टिंग एक्सीलेंट एक्सीलेंट नियर नियर एक्सीलेंट एक्साइटमेंट कोई बात नहीं अच्छा वर्ड चेंज कर देती हूँ अवि शर्मा अचीवमेंट अवि शर्मा अवि शर्मा अवि शर्मा अवि शर्मा नाइस तो ये गेम तो चलो एक छूट गया बट यार ये लास्ट वाला अपना नाम कोई कैसे वो छोड़ सकता है बहुत बढ़िया है गेम बहुत अच्छा था शुड आई स्टॉप प्लेइंग दिस सॉन्ग क्या शुड आई स्टॉप मुझे सच में कुछ नहीं सुनाई दे रहा था अब आ रही आवाज हाँ आ रही है बहुत बढ़िया तीन बिल्कुल सही गए हैं एक में चूक गए वो कौन सा था वो इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट हाँ तो इंटेलिजेंट छूट गया कोई बात नहीं बट इट वॉज अमेजिंग हाँ नहीं वो गाने इतना तेज चल रहा था तेजी इसलिए चलाया था कि सुनाई ना दे यार ये तो सही है अब यार मैंने एक बात बताओ ये पूरा रूम जो है ये गेम तो बढ़िया था ये पूरा रूम जो है ट्रॉफी मेडल सर्टिफिकेट तो भाई क्या एक पूरा कमरा बनवाने का ऐसा कुछ है क्या कि पूरे उसमें सिर्फ यही सब चीज़ें कमरा नहीं मुझे तो चाहिए कि ऐसा दो तीन मेरे पूरे फ्लैट्स भरे हों क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ भी अवार्ड्स हैं इवन इसके अंदर भी पूरे अवार्ड्स कितने हैं ऐसे क्या ऐसा भरा हुआ है हाँ पूरा भरा हुआ है और आप पीछे भी अपने देख सकते हैं कि अवार्ड्स हैं और इवन मतलब काफ़ी सारे ऐसे 100-200 सर्टिफिकेट्स हैं जो हमने फ्रेम ही नहीं करवाए हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्रेम करवाए हैं हम लगा नहीं सकते पूरी ट्रॉफीज वगैरह से भरा है सो यार समटाइम्स आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो और मैं चाहता हूँ कि ऐसा पूरा दो चार फ्लैट्स हों जिसमें मेरे पूरे अवार्ड्स हों और यू नो उनका एक ऐसा म्यूजियम जैसा बने सपना है मेरा मतलब यार ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला चीज़ है ये तो अभी मतलब यही अचीवमेंट है और भी आने हैं अचीवमेंट और भी अभी तो आने हैं अभी तो मतलब ये तो शुरुआत है कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है यू नो मुश्किलों के इम्तिहान अभी बाकी है अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने अभी तो सारा आसमान अरे वाह बहुत बढ़िया तो यार ये तो अपने अचीवमेंट्स के साथ आएंगे मैं भी फिर आऊँगी गली गर्ल एक नए एपिसोड के साथ जिसमें मैं किसी प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर और ऐसे ही किसी आर्टिस्ट के साथ मिलूंगी ओनली ऑन गली गर्ल Thank you.